बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 रेनबो का लेसन 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीर अब्दुल हमीद। बच्चों, ये एक हीरो थे 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो इस चैप्टर से हमको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत नए शब्द मिलेंगे और बहुत ही साहस, उत्साह और देशभक्ति की भावना हमारे दिल में उत्पन्न होगी। तो ये चैप्टर और ये वीडियो को लास्ट तक हम लोग जरूर देखेंगे। अब सीखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह एक स्टोरी है, ये एक कहानी है ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही की, नेम्ड अब्दुल हामिद, जिसका नाम था अब्दुल हामिद। यह एक कहानी है एक वीर सिपाही की, जिसका नाम था अब्दुल हामिद। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन इंडियन आर्मी। वह एक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे भारतीय सेना में। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वह एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे, वह एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही फॉट, फॉट मतलब लड़े, वह लड़े 1965 के वार में। वार का मतलब युद्ध, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध को लड़ा था। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन धामुपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे इन धामुपुर विलेज। किस गांव में? धामुपुर, उस गांव का नाम था धामुपुर ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। और जिले का क्या नाम था? गाजीपुर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है। ऑन 1 जुलाई 1933, और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1933 को इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में। टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान, इनकी माताजी का नाम था सकीना बेगम और पिताजी का नाम था मोहम्मद उस्मान। इन शॉर्ट, अब्दुल हमीद 1 जुलाई 1933 को एक मुस्लिम परिवार, सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में जन्म लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के धामुपुर गांव के रहने वाले थे। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? डू यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना पसंद करोगे? हाउ ही बिकेम द हीरो, वह कैसे हीरो बन गए ऑफ 1965 वार, जो 1965 में जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस युद्ध में वो कैसे हीरो बने, क्या तुम जानना चाहोगे, जानना पसंद करोगे? तो ऑफ कोर्स सभी लोग जानना पसंद करेंगे। तो आगे की स्टोरी इसी के बारे में है। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मतलब काफी सुबह थी, जल्दी सुबह की बात है, ऑफ 10 सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965 की सुबह की बात है। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया यानी कि भारत पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द भिखीविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स, पैटर्न टैंक्स का एक पाकिस्तानी रेजिमेंट वॉज मार्चिंग ऑन भिखीविंड, जो कि भिखीविंड में मार्च कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था अमृतसर रोड पे, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के किस सेक्टर में था, खेमकरन भाग में था। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, और यह ऐसे ही मार्च करते करते कहाँ पहुंच गए, एक विलेज में, एक गांव में जिसका नाम था चीमा। दिस विलेज वॉज ऑन इंडो पाक बॉर्डर, और यह गांव, दिस विलेज यानी कि यह गांव वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, और इस सेक्टर में, इस गांव में 6 सितंबर से ही बैटल यानी कि लड़ाई चालू थी। हियर हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ
फोर ग्रेनेडियर कंपनी वे आर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। हियर का मतलब यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद एंड अदर सोल्जर्स, हवलदार अब्दुल हमीद और दूसरे सैनिक ऑफ फोर ग्रेनेडियर कंपनी, जिस कंपनी में थे ये लोग उसका नाम था फोर ग्रेनेडियर कंपनी, वे आर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला करने के लिए ये लोग तैयार थे और उसका इंतजार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन अ जीप, वीर अब्दुल हमीद जो थे वो एक जीप में सिटिंग मतलब बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी जिससे वो टैंक्स को उड़ा सकते थे। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, जो पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी सेना का पैटर्न टैंक था जो तोप थी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, वह उनसे बहुत वेरी फार यानी कि बहुत दूर नहीं थी। ही कुड हिट द टैंक विद हिज गन्स इफ ही वॉन्टेड टू, यानी कि ही कुड हिट द टैंक, वह टैंक्स को मार सकते थे विद हिज गन अपनी बंदूक से इफ ही वॉन्टेड टू, अगर वह चाहते यानी अगर वह चाहते तो अपनी बंदूक से उन टैंक्स को मार सकते थे। ही वॉज अ गुड शॉट, यानी कि उनका निशाना बहुत अच्छा था, बट लेकिन ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट, लेकिन ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट, वह अपने शॉट्स को अपने निशाना को और गोलों को वेस्ट यानी कि बर्बाद नुकसान नहीं करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक विथ ईच ऑफ हिज शॉट्स, वह अपने हर एक शॉट से हर एक निशाने से टैंक्स को हिट करना चाहते थे, चोट पहुंचाना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, जो पाकिस्तानी टैंक थे पाकिस्तानी तोप थे वेयर वेरी पावरफुल, वह बहुत ही पावरफुल थे और डेंजरस थे, वह बहुत ही शक्तिशाली थे और उतने ही ज़्यादा खतरनाक थे। दे वेयर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुँचना, वह नियरर एंड नियरर यानी कि बहुत पास और पास पहुँचते जा रहे थे, वह बहुत ही करीब पहुँचते जा रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली का मतलब लगातार और फायरिंग का मतलब गोलीबारी करना, वह लगातार ही गोलीबारी कर रहे थे, रुक नहीं रहे थे, कंटिन्यूसली फायर कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, जो वीर अब्दुल हमीद थे वह मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़े। ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने सॉ मतलब देखा एक पाकिस्तानी टैंक को, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट, उन्होंने अपनी बंदूक उठाई एंड फायर अ शॉट और शॉट कर दिया, वहां पर गोली चला दी। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, जो टैंक था उसमें आग लग गई और वह धू धू करके जलने लगा। वेंट अप इन फ्लेम्स मतलब जो जल्दी जल्दी धू धू करके जलने लगा। ऑल द सोल्जर्स यानी सभी सिपाही ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी, यानी कि अब्दुल हमीद कंपनी के जो बाकी सभी सिपाही थे वो बहुत खुश हो गए। सडनली ही सॉ अनदर टैंक, अचानक, सडनली मतलब एकाएक या अचानक, ही सॉ अनदर टैंक, उन्होंने दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन एंड इट ऑल्सो बस्ट इन टू फ्लेम्स, ही फायर्ड अ शॉट, उन्होंने फिर से फायर किया, अगेन का मतलब फिर से, एंड इट ऑल्सो बस्ट इन टू फ्लेम्स, और यह भी फ्लेम्स में बदल गया, यह भी धू धू करके जलने लगा, यानी कि दूसरा वाला टैंक भी धू धू करके जलने लगा। फोर मोर टैंक्स वेयर सीन, फोर मोर यानी कि चार और टैंक्स वेयर सीन यानी देखे गए, चार और टैंक वहां पर आ गए, चार और टैंक दिख गए वहां पर। द पाकिस्तानीज वॉन्टेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, जो पाकिस्तानी थे वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी, अब्दुल हमीद की कंपनी पर अटैक करना चाहते थे एंड किल हिम और उनको मारना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, वह उनके सबसे बड़े, एनिमी का मतलब शत्रु और बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़े, वह उनके सबसे बड़े शत्रु थे। दे टर्न द गन्स टू देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, उन्होंने अपने टैंक पर अपनी जो बंदूक है वह उनके तरफ तान दी, किसके तरफ, वीर अब्दुल हमीद के, क्योंकि वीर अब्दुल हमीद लगातार टैंक्स को
बर्बाद करते जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम अब्दुल हमीद को ही मार दें तो ये बर्बाद नहीं कर पाएंगे, हमारे टैंक को नहीं जला पाएंगे, और इसलिए अब्दुल हमीद उनके सबसे बड़े दुश्मन थे और उन्होंने अपनी गोलियों को, अपनी गन्स को वीर अब्दुल हमीद के तरफ तान दी। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू। बिफोर दे कुड फायर यानी कि इससे पहले कि वो सब गोलाबारी करें, पाकिस्तानी टैंक्स गोलाबारी करें, इनके ऊपर फायर करें, वीर अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू। वीर अब्दुल हमीद जो है उन्होंने थर्ड टैंक को, तीसरे टैंक को भी हिट कर दिया, मार दिया। एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर। और फिर क्या हुआ, एंड देयर इट वेंट यानी फिर क्या हुआ, इट हैड कॉट फायर, इसने भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स वेयर राइजिंग अप इन टू द स्काई। फ्लेम्स यानी कि जो आग के की लपटे हैं वो वेयर राइजिंग हाई, वह बहुत ऊपर उठ रही थी, इन टू द स्काई जो कि आसमान तक जा रही थी। बट लेकिन अलास, फिर क्या हुआ, अलास का मतलब दुख को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। शेल का मतलब गोला। वन शेल ऑफ द एनिमी यानी दुश्मन का एक गोला हिट हिज जीप, उनकी जीप पर आकर लग गया, उनकी जीप पर टकरा गया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, जो बहादुर हीरो था हमारा, योद्धा था, वह फेल डाउन, गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड येट ही डिड नॉट लूज हार्ट। ठीक है, ही वॉज डीपली वुंडेड, वह बुरी तरीके से वुंडेड मतलब जख्मी थे, वह डीपली वुंडेड थे, येट फिर भी, ही डिड नॉट लूज हार्ट, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। लूज हार्ट का मतलब हार मानना, तो उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को ऑर्डर किया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन और लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स, उन्होंने अब उनके ऑर्डर्स को ओबे किया, उनका पालन किया, एंड फॉट ब्रेवली और बहुत ही बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वेयर डिस्ट्रॉयड। सम मोर मतलब कुछ और, टैंक्स ऑफ द एनिमी, एनिमी के दुश्मनों के जो टैंक्स थे वर डिस्ट्रॉय, वह बर्बाद कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लेड, जो पाकिस्तानी सैनिक थे वर अफ्रेड, डर गए, एंड फ्लेड यानी कि भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। दिस ब्रेव सोल्जर, यह बहादुर सिपाही ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का, डाइड फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए जान को न्यौछावर कर दिए, अपनी जान की कुर्बानी दे दिए। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट ह्यूमसली, उनको परमवीर चक्र का इनाम मिला, पोस्ट ह्यूमसली मतलब मरणोपरांत, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनको परमवीर चक्र का इनाम दिया गया। परमवीर चक्र क्या होता है, जो भी हमारे देश में कोई बहुत ही ज़्यादा साहसिक कार्य करता है हमारे देश की रक्षा के लिए या फिर समाज की रक्षा के लिए, तो उनको परमवीर चक्र प्राप्त होता है, दिया जाता है। तो वीर अब्दुल हमीद ने अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और इसलिए उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेम्बर्ड बाई द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, वह हमेशा पूजे जाएंगे, एंड रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड मतलब याद किए जाएंगे, बाई द पीपल ऑफ आवर कंट्री यानी कि हमारे देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार। किस रूप में याद किए जाएंगे, 1965 की लड़ाई के सबसे बहादुर सैनिक के रूप में, अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से हुआ था। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, उनके नाम पर ही उनके गांव का नाम हामिद धाम पड़ गया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपके अंदर देशभक्ति की भावना ओतप्रोत हुई होगी, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस लेसन के माध्यम से आपको बहुत सारे नए शब्द सीखने को मिले होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैप्टर के अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं
तो इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर की भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।